हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीवीसी कार्ड को चीप वाला कार्ड में कैसे प्रिंट करते हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी अपने बिजनेस में इस प्रिंट कार्ड को प्रिंट करके पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक पीवीसी कार्ड का जो सैंपल है, एक आरसी बुक है, उसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। इसका जो अलाइनमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो अलाइनमेंट बना हुआ है यहाँ पर, ये अलाइनमेंट पहले हमने सेट करके रखा हुआ है, इसका एक टेम्पलेट बना करके रखा हुआ है, उसके अंदर ही हम इसको सेट कर लेते हैं ताकि वो सही जगह पे एग्जैक्ट जगह पे प्रिंट हो पाए। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ साफ कर लिया, सब कुछ कर लिया। और यहाँ पर जो ये एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एरिया को मैंने कट करके चिप का जो रहता है स्कैन के वश चिप का फोटो को हटा लिया है, इसलिए कि चिप के ऊपर प्रिंट ना हो जाए, क्योंकि उसमें ओरिजिनल चिप लगा हुआ रहेगा इस कार्ड के अंदर में। अभी मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ कि चिप वाला कार्ड कैसा होता है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किस लिए हमने यहाँ पे चिप वाला को हटाया है, यहाँ पे सेट कर लिया है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये चिप वाला कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड आप देख सकते हैं, ये चिप लगा हुआ कार्ड होता है, एक साइड में ऐसा प्लेन रहता है और एक साइड में यहाँ पे चिप लगा हुआ है। तो चिप लगा हुआ है तो आपको ट्रे के अंदर कैसे लगाना है वो हम आपको इसमें पहले बता देते हैं कि सही ढंग से कैसे लगाते हैं। अगर उल्टा पलटा लग जाएगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा और कार्ड आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली कार्ड रहता है। रेट के बारे में इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप देख लेंगे आपके लोकल मार्केट में कितने में मिल रहा है क्या है। तो सबसे पहले ये ट्रे जो है, इस ट्रे को हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे प्रिंटर के अंदर, इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो सिग्नल बना हुआ है ये अंदर के साइड रहेगा और यहाँ पे एरो मार्क दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो चिप है इसको हम इस तरह से लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, इस तरह से लगाना है हमको। ठीक है, ऐसे लगाएंगे इसको उल्टा, इस चिप को, इस चिप को इधर की तरफ नहीं हो जाना चाहिए। मान के चलिए जैसे हम इस चिप को ऐसे करके आपको गलती से भी नहीं लगा देना, नहीं तो आपका कार्ड जो है खराब हो जाएगा, उल्टा प्रिंट हो जाएगा। चिप को इस तरह लगाना है हमेशा, ध्यान रखिएगा, और इस जो खांचा जो ये बना हुआ है इसी के अंदर में रहना चाहिए, पीछे वाले स्लॉट में। इधर वाले स्लॉट में लगाना है तो फिर उसमें कंप्यूटर में दूसरे में सेट करना पड़ेगा हमको। तो इसमें सेट किए हम पहले वाले स्लॉट में, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंटर का सेटिंग में जाएंगे। ये प्रिंटर है मेरा, जो L805 प्रिंटर है। प्रिंटर को हम इस ट्रे को उठा करके इस तरह से उठाएंगे और ऊपर वाले इसमें लगा देंगे, सीडी वाले जो सिग्नल दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, उसके अंदर लगा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटर जो है एडजस्ट हो रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है ये। यहाँ पे ये एडजस्ट करेगा थोड़ी देर, उसके बाद जब एडजस्ट हो जाएगा, लाइट ब्लिंक करता रहता है एडजस्ट के टाइम में। अब ये स्टेबल हो चुका है, यानी कि ये एडजस्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर ट्रे को फिट करेंगे। ट्रे को कैसे लगाना है ये आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ इस तरह से ट्रे को ये वाले स्लॉट में इस तरह से ऐसे लगाएंगे, और ये जो साइन दिया हुआ ये और ये दोनों को मैच कराएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। उसके बाद जो है वो प्रिंटर ऑटोमेटिक लेगा। इस तरह से हल्का सा टहलेंगे, पुश करेंगे और यहाँ पर वो जो है ले लिया है। ठीक है, ये साइन जो है मैच कर गया। उसके बाद हम प्रिंट का कमांड देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रे यहाँ तक आ जाता है। अब हम प्रिंट का कमांड देते हैं। प्रिंट का कमांड देने के लिए भी इसमें एक जो प्रिंटर है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। वो अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो हम उसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे कि वो कौन सा है। R2260 करके एक सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैंने कंट्रोल पी दबा दिया है। कंट्रोल पी दबाने के बाद पेज सेटअप कुछ नहीं करेंगे, सारा कुछ A4 के अंदर में, ये सारा कुछ जो बाय डिफॉल्ट रहेगा A4 में रहना चाहिए, ध्यान रहे। फिर प्रिंट को दबाएंगे, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे प्रिंटर जो सेलेक्ट करेंगे, एप्सन स्टाइलस फोटो R2260 सीरीज है ना, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और इसको जो है L805 प्रिंटर से लिंक किया हुआ है। वो सब कैसे करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में ये बेस्ट फोटो सेटिंग में रहेगा। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू ऑन रख देंगे। यहाँ पे सोर्स में CD/DVD रहेगा और टाइप में CD/DVD रहेगा और साइज में जो है A4 रहेगा। ठीक है, ये सेटिंग आप ध्यान से समझ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए,
क्योंकि यही सेटिंग रहना चाहिए, तभी आपका कार्ड पे जो है अच्छे से प्रिंट होगा, अदरवाइज आपका कार्ड खराब हो सकता है। ठीक है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से जब हम ओके करेंगे तो ये प्रिंट कमांड चला गया है, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ से जैसे ही प्रिंट वाला बटन पे क्लिक करेंगे और वो कार्ड को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट किया मैंने, यहाँ पे ये वाईफाई से है, सिग्नल ले लिया है, अभी नहीं लिया है, सिग्नल लेगा अभी थोड़ी देर में। कभी कभी थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि अभी प्रिंटर मैंने ऑन किया है, इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो सिग्नल लेता है, नहीं तो तुरंत हो जाता है। देखिए सिग्नल ले लिया है, लाइट जो है ब्लिंक करने लगा है, प्रिंटर जो है अपने हरकत करने लगा, और ये ट्रे जो है थोड़ा सा बाहर के वो फेंक देता है, वापस पुश कर देता है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इसको, तो इसको हम सबसे एकदम साइड में ठेल देंगे थोड़ा सा, और ये कर दिया, और उसके बाद फिर लाल वाला बटन को प्रेस कर देंगे। थोड़ा थोड़ा दिक्कत करता है ये प्रिंटर, क्योंकि कुछ दिन चलने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आने लगता है इसमें, तो आपको बार बार थोड़ा कोशिश करना है। इसको वापस से फिर से ठेलेंगे, इसको पुश करेंगे, अलाइनमेंट मिलाएंगे ये वाला, और उसके बाद फिर से ये रेड बटन दबाएंगे। जितनी बार होगा उतनी बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रिंटर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से होता है, सेंसर की वजह से होता है। यहाँ पे नीचे में एक सेंसर रहता है, वो सेंसर की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो हम उसको बार बार वैसे करके उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं प्रिंट करने के बाद। प्रिंट जब चालू हो जाएगा तब हम आपको दिखाते हैं। तो फाइनली जो प्रिंट जो है वो लेने लगा है, यहाँ पे प्रिंट करने लगा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्रिंट हो रहा है, कार्ड के ऊपर प्रिंट हो रहा है, चिप वाले कार्ड के ऊपर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एकदम ओरिजिनल की तरह दिखता है ये, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस रहता है, लेकिन ओरिजिनल की तरह प्रिंट हो जाता है और आपका काम चल जाता है। जहाँ पर भी दिखाना उखाना रहता है तो आप दिखा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो डेटा ऑनलाइन रहता है, आप ऑनलाइन सब लोग ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। अगर पुलिस को भी फाइन मारना होता है तो ऑनलाइन ही फाइन मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड एक तरफ जो है वो प्रिंट होने लगा, लगभग फाइनल प्रिंट है। फिर इसको जो है हम पलट करके प्रिंट करेंगे, तो बहुत ही अच्छा प्रिंटर है L805, बहुत काम का प्रिंटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिप के ऊपर, कार्ड के ऊपर प्रिंट हो चुका है, और अब हम इसको पलटेंगे। ठीक है, इसको ठीक इसी तरह पलटना है। अभी देखिए एकदम सही जगह पे सारा कुछ हो गया है, अब हम इसको पलट देंगे। इसको पलटने के लिए ध्यान से आपको पलटना है कि इसको ऐसे नहीं पलट देना, ये ऐसे था तो सेम इसी तरह ऐसे करके पलटेंगे इसको, और वहाँ पर रख देंगे, और फिर से इसको वापस से उसी में जैसे डाले थे उसी तरह डाल करके इसको, इसका बैक साइड का जो है वो प्रिंट करेंगे अभी, क्योंकि बैक में इसका जो वाइट है, इसको यहाँ पर अलाइनमेंट मिला लिए, और उसको इसी तरह बैक में भी प्रिंट कर देते हैं। इसको हटा देते हैं और बैक वाला जो है वो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये है इसका बैक वाला। अब इसको बैक को कंट्रोल पी करके हम इसका कमांड दे देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, तो ये सारा कुछ वैसे ही रहेगा सेम, हम सीधा ओके पे प्रिंट कर देते हैं। दबाया और यहाँ पर ये जो है वो इंडिकेट कर दिया है, फिर से ये प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से इसको हम एक दो बार ट्राई करेंगे और उसके बाद वो ले लेगा और प्रिंट हो जाएगा इसके पीछे में। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हमने पीवीसी कार्ड पे ये प्रिंट कर लिया, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रिंट हुआ है, ये चीप वाला कार्ड पे प्रिंट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही टेक्निकल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।
और दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और इससे जुड़ी जो भी चीज़ अगर आपको इंक्वायरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे।